टाइगर स्टेट एमपी में अपने घर के आंगन में अपने भाई बहन के साथ पढ़ रहे 11 साल के बच्चे को एक तेंदुआ उठा कर ले गया। बच्चे का शव करीब 18 घंटे बाद घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। आक्रोशित लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें रेंजर बुरी तरह घायल हो गए। मामला सीधी जिले के संजय गांधी टाइगर रिजर्व के गिजोहर गांव का है। शनिवार रात करीब 8 बजे चौकी में पढ़ने वाला 11 साल का कमल बैगा अपने 3 भाई बहनों के साथ घर के आंगन में ही पढ़ाई कर रहा था। माँ घर के काम काज में जुटी थी, पिता राम बहादुर बैगा भी अपने काम में लगे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठा तेंदुआ अचानक आंगन में आ गया। उसने कमल को दबोच लिया और जंगल की तरफ भाग गया। ग्रामीणों ने शनिवार रात में ही वन विभाग की टीम को घटना की सूचना दे दी थी, लेकिन टीम रविवार सुबह वहां पहुंची। ऐसे में ग्रामीण वन विभाग की टीम पर आक्रोशित हो उठे। उन्होंने वन कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। इस हमले में बस्तुआ रेंजर महावीर पांडे बुरी तरह घायल हो गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रीवा रेफर किया गया है। दूसरे अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। दरअसल ग्रामीणों की सूचना पर रविवार को बस्तुआ रेंजर महावीर पांडे, पौंडी रेंजर कविता रावत और दुबारी रेंजर आकाश परोहा के साथ वनरक्षक और चौकीदार पहुंचे थे। टीम परिवार से जानकारी लेकर बालक को ढूंढने पहुंची थी। इस दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई, क्योंकि एक महीने पहले भी एक तेंदुआ बच्चे को उठाकर ले गया था। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बालक के पिता राम बहादुर बैगा को वन विभाग की तरफ से 8 लाख की सहायता राशि देने की जानकारी दी। साथ ही तत्कालिक सहायता राशि ट्राइबल विभाग से 10,000 रुपए एवं पंचायत से 10,000 रुपए दिए। साथ ही खाद्यान्न की व्यवस्था प्रशासन की ओर से दी गई। वन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हरिओम द्विवेदी ने बताया कि 8 लाख रुपए की सहायता राशि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई जानवर लोगों पर हमला करता है तो उसे पकड़कर जंगल से अलग करते हैं। हमारी टीम लगातार नजर बनाए हुए है। लोगों से कहा है कि जंगल में अकेले नहीं जाएं। पहले जो शासन का था 4 लाख हर केस के लिए मिलता था, अभी शासन के द्वारा अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट महीने आपका वो 8 लाख कर दिया गया है। तो अभी इनके लिए तुरंत 48 आवर्स हमें कागज मिलने के बाद मतलब इनके खाते में हस्तांतरित कर जाएगी।